न्यूज तक की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। बदायूं का गुनहगार पकड़ा गया, जेफ बेजोस को पछाड़ कौन बना दुनिया का सबसे अमीर शख्स। वैक्सीन लगाने के लिए रफ्तार और तेज हुई, और कहा लड़के ने कर ली अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से शादी। संसद में बवाल के बाद अमेरिका में ट्रंप को लेकर घमासान मच गया है। वक्त से पहले ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मुहिम को भी तेज कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कैपिटल पर धावा बोलने वाले दंगाइयों को घरेलू आतंकवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी को हिलाकर रख देने वाली हिंसा की इस घटना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी संसद भवन की सुरक्षा का उल्लंघन करना असहमति या प्रदर्शन नहीं बल्कि उपद्रव था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई एक शादी ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर रहने वाले चंदू नाम के युवक ने एक ही मंडप के नीचे अपनी दोनों प्रेमिकाओं से शादी कर ली। युवक अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से लंबे समय से रिलेशनशिप में था। ये शादी 3 जनवरी को हुई जिसमें गांव के तमाम लोग शामिल हुए। चंदू ने बताया कि दोनों लड़कियां उससे खूब प्रेम करती हैं, इसलिए वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। वो एक साथ दोनों के साथ एक ही घर में रहता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने मिलकर इसकी दोनों लड़कियों के साथ शादी करा दी। दरअसल चंदू की मुलाकात सबसे पहले सुंदरी कश्यप से 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, दोनों की फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। इसके ठीक 1 साल बाद वो हसीना बघेल से मिला जो कि 20 साल की थी। इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो गया। जब चंदू ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं को एक दूसरे से प्यार के बारे में बताया तो ये दोनों ही चंदू के साथ रहने लगी और अब तीनों की शादी हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण घटना वाले गांव में छिपा रहा। पुलिस 2 आरोपी जसपाल और वेदराम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 3 जनवरी की रात गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण फरार चल रहा था। पुलिस की 4 टीमें मुख्य आरोपी सत्यनारायण की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही थी और चक्कर घिन्नी बनी हुई थी। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। एलोन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो गई, जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से करीब 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में अमेज़न के मालिक को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें कि जेफ बेजोस 2017 से सबसे अमीर दुनिया के शख्स थे, लेकिन अब नहीं। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज यानी कि 8 जनवरी को सबसे बड़ी रिहर्सल होनी है। इससे पहले जब 2 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन मंजूरी नहीं मिली थी, उस वक्त भारत में 28-29 दिसंबर को पहली बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ था। उसके बाद आपातकालीन मंजूरी मिलने के कुछ दिन बाद एक बार फिर से ड्राई रन हुआ था, लेकिन इस बार 33 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो चुका है।